कोरोना वायरस का खौफ अभी पूरी दुनिया में खत्म नहीं हुआ है कि एक और वायरस का खतरा मंडराने लगा है। बोलीविया में चापरे नामक खतरनाक वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये इंसान से इंसान में फैलता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके असर से ऐसा बुखार होता है जिससे मुमकिन है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए। यह काफी कुछ इबोला जैसा है, जिसे काफी खतरनाक समझा गया था, हालांकि उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2019 में दो मरीजों से इस वायरस का संक्रमण बोलीविया की राजधानी ला पॉस के स्थित डी फैक्टो अस्पताल के दो स्वास्थ्य कर्मियों को हुआ था। उन दोनों मरीजों में से एक की मौत हो गई। अस्पताल के दोनों कर्मचारियों की इसी संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे एक वायरस का अस्तित्व 2004 में बोलीविया के चापरे इलाके में पहली बार देखने को मिला था। यह इलाका राजधानी ला पॉस से 370 मील दूर है, इसलिए इस वायरस को चापरे नाम दिया गया है। चूहों से फैलता है वायरस। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चूहों के जरिए मानव शरीर में पहुंचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन वायरस का संक्रमण मानव शरीर के द्रव्यों के जरिए होता है, उन पर काबू पाना उन वायरस की तुलना में बहुत आसान होता है जिनका संक्रमण सांस के जरिए फैलता है। कोविड-19 का संक्रमण नाक के माध्यम से हुआ है। आइए इसके लक्षण बता दें आपको। जिन मरीजों को इस वायरस का संक्रमण लगा, उन्हें बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, मसूड़ों से खून निकलना, त्वचा पर छाले आना और आंखों के अंदर दर्द महसूस होने की शिकायत हुई। चूंकि इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, इसलिए अभी संक्रमण लगने पर पानी चढ़ाना ही अकेला उपचार है। शुरुआत में इस वायरस के लक्षण डेंगू के समान लगते हैं।